इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यूनियन बैंक का जो जमा पर्ची है वो कैसे भरा जाता है। तो मैं भर के दिखा दे रहा हूँ। तो चलिए, पहले ऊपर है उसको हम ब्रांच भरेंगे, शाखा जो होता है। मैं अपना शाखा डाल दे रहा हूँ, रामपुर है मेरा शाखा, तो मैं वहीं डाल दे रहा हूँ रामपुर। उसके बाद से डेट डालेंगे जो दिनांक होता है, तो वो भर देंगे हम अपना। हम डेट डाल दे रहे हैं जो डेट है। उसके बाद से हम अपना यहाँ पे अकाउंट नंबर डालेंगे, जो अकाउंट नंबर होता है। मैं अपना अकाउंट नंबर भर ले रहा हूँ जिस अकाउंट में मेरा पैसा जमा करना है। तो तब तक मैं अपना अकाउंट भर ले रहा हूँ। अपने हिसाब से अपना अकाउंट नंबर आप भर लीजिएगा जो मेरा अकाउंट है नंबर है। मैं अपना अकाउंट नंबर भर लिया। उसके बाद से अपना नाम डालेंगे यहाँ पे हम। मेरा जो नाम है मैं अपना नाम डाल दे रहा हूँ, जो आपका नाम होगा अपने डाल दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद से यहाँ पे हम यहाँ से जो अमाउंट है मैं भरूँगा, 10,000 मुझे जमा करना है, तो अंकों में यहाँ पे भर दे रहे हैं हम। उसके बाद शब्दों में यहाँ पे हम डालेंगे 10,000 मुझे जमा करना है, तो मैं 10,000 यहाँ नीचे भी लिख दे रहा हूँ, 10,000 रुपये मात्र। उसके बाद से टोटल जो अमाउंट है जो मुझे 10,000 जमा करना है, यहाँ पे टोटल में भी नीचे लिख देंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ पे टोटल जो कुल अमाउंट दिया है टोटल, यहाँ पे भी 10,000 भर का हम। ये फर्स्ट वाला पेज हो गया। उसके बाद से सेकेंड वाला पेज हम भरेंगे। सेकेंड वाले में देखिए यहाँ पे कितने, जो मेरे पास जितने के नोट है, जो मेरे पास नोट है मैं भर ले रहा हूँ। जो 500 के मेरा नोट है वो 16 है मेरे पास, तो ये 8,000 हो गया। प्लस 200 का नोट 5 है, तो मैं यहाँ 5 डाल दे रहा हूँ, बराबर 1,000। उसके बाद 100 का नोट 10 ठो है, तो यानी 1,000 ये भी हो गया। टोटल कुल मिलाकर यहाँ से 10,000 रुपया यहाँ पे टोटल करेंगे तो आ जाएगा। यहाँ 10,000 रुपये नीचे लिख देंगे हम, यहाँ टोटल कुल राशि में भी 10,000 रुपये नीचे लिख देंगे यहाँ पे हम। उसके बाद से यहाँ से जो भर दिया, उसके बाद से ऊपर यहाँ भी डेट भर लेंगे हम। जो डेट है मैं अपना डेट डाल दे रहा हूँ, सेम डेट डालेंगे। डेट डालने के बाद से ये अपना फिर अकाउंट नंबर डाल लेंगे हम अपना। अकाउंट नंबर फिर डाल दे रहा हूँ यहाँ, फिर दोबारा अकाउंट नंबर डालना पड़ता है। सेम अकाउंट नंबर डाल दे रहे हैं हम। डालने के बाद से यहाँ पे अपना नाम डालेंगे हम। फिर जो मेरा नाम है फिर मैं अपना नाम डाल दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा, हरकिश राजभर। उसके बाद से यहाँ पे हम मोबाइल नंबर अपना डालेंगे, तो मैं अपना मोबाइल नंबर भी डाल दे रहा हूँ। मोबाइल नंबर मेरा हो गया 10 अंक का। उसके बाद से यहाँ पे हम 10,000 शब्दों में लिख देंगे। दस हज़ार शब्दों में लिखने के बाद से यहाँ से 10,000 रुपये मात्र। उसके बाद से यहाँ से टोटल में यहाँ फिर 10,000 रुपये यहाँ लिख देंगे हम। दस हज़ार लिखे फिर टोटल में यहाँ पे 10,000 फिर हम डाल देंगे यहाँ पे। उसके बाद से यहाँ नीचे अपना हम सिग्नेचर करेंगे। अपना मैं सिग्नेचर कर ले रहा हूँ। उसके बाद से सिग्नेचर करने के बाद से इस पर्ची को और पैसा, इस पर्ची को यहाँ पे भी अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, पीछे सेफ्टी के लिए डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ मोबाइल नंबर फिर डाल दे रहा हूँ। अपना सिग्नेचर भी कर लेंगे, हाँ सिग्नेचर भी कर दिया अपना मैं। एक ही सिग्नेचर रहेगा तो भी दो भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पीछे वो आ गई काफ़ी है, मैं सेफ्टी के लिए दोबारा सिग्नेचर कर दे रहा हूँ। उसके बाद ये पर्ची को ले जाकर हम काउंटर के पास और पैसा ले जाकर हम जमा कर देंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।